सब्सक्राइब कीजिए QRPN चैनल को और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एक नया YouTube अपडेट आया है। यहाँ पर अगर आप अपना YouTube चैनल डेस्कटॉप साइट पे ओपन करते हैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर मैं जूम करके दिखा दूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है। और यहाँ पर आप मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है। ये एड्स वाला ऑप्शन एक नया आया है, ये क्या ही है ये मुझे नहीं पता, बट अभी धीरे धीरे पता चलेगा। जो हमारे टैलेंटेड यूट्यूबर्स लोग हैं, क्रिएटर लोग हैं, वो डालेंगे वीडियो कि हाँ ये किस लिए है, तो देखने के बाद पता चलेगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है व्यू रेटिंग्स का, तो मैं व्यू रेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर नो कनेक्टेड अवेलेबल ऐसे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, प्लस यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है 20 वीडियो ये वो वगैरह। मैं चलिए एक बार ट्रांसलेट करके जान लेते हैं कि ये क्या ही लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये जो है बोलना स्टार्ट कर देगी। आपके द्वारा हमारे विरुद्ध अधिक अपलोड किए जाने के बाद विज्ञापन अनुकूल सामग्री दिशा निर्देश, हम गणना कर सकते हैं कि आपका इनपुट कितना सही है। यदि आपका इनपुट सटीक है तो यह निर्धारित करते समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि क्या आपके वीडियो विज्ञापनों के लिए उपयुक्त हैं। आमतौर पर हम लगभग 20 वीडियो का मूल्यांकन करने के बाद सटीकता की गणना कर सकते हैं। तो फ्रेंड, क्या ही है एप्लीकेशन सॉरी फ्रेंड क्या ये सेटिंग आपके भी फ़ोन में चेंज हुआ है या फिर ये ऑप्शन आपके भी यूट्यूब चैनल पर शो हुआ है? अगर शो हुआ है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने देखा नहीं है अभी तक तो जाकर देख लीजिए। और हाँ, बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जैसे हम शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका कोई भी डाटा शो नहीं करता, जैसे कि व्यूज़ और वॉच टाइम वगैरह वगैरह शो नहीं करता। सो यहाँ पर वॉच टाइम तो शो नहीं कर रहा है मुझे, मैंने फ़िलहाल ही अपलोड किया है, 3 व्यूज़ तो दिखा रहे हैं बट वॉच टाइम शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस पर 5 व्यू है, इस पर भी देख लेते हैं तो यहाँ पर भी कोई वॉच टाइम शो नहीं कर रहा है, तो शो करना चाहिए वैसे, कोई ख़ास अपडेट नहीं लगा ये, वैसे ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो बस फ्रेंड, यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन वाला बटन ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, फिर मिलूँगा मैं यानी तनवीर शेख आपको फिर किसी नए टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।